मेरी एक सब्सक्राइबर है और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि ऑलवेज और ऑल द टाइम में क्या फर्क है। आप कहते हैं कि अक्सर इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। ऑलवेज और ऑल द टाइम दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी दोनों का मतलब होता है हमेशा, और ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। इन दोनों को आप एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दोनों में ये फर्क है कि अगर आप ऑलवेज का यूज करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना होगा या मेन वर्ब के पहले लिखना होगा, और अगर आप ऑल द टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सेंटेंस के लास्ट में लिखना होगा। कैसे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में डिटेल से समझें। तुम हमेशा रोते रहते हो, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर ऑलवेज वीपिंग। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर वीपिंग ऑल द टाइम। तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। और अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। तुम हमेशा झूठ बोलते रहते हो, यू आर ऑलवेज टेलिंग अ लाई। और अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर टेलिंग अ लाई ऑल द टाइम। तुम हमेशा काम करते रहते हो, यू आर ऑलवेज वर्किंग। और अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर वर्किंग ऑल द टाइम। तुम हमेशा मजाक करते रहते हो, यू आर ऑलवेज जोकिंग। और अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर जोकिंग ऑल द टाइम। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि ऑलवेज या ऑल द टाइम दोनों का मतलब होता है हमेशा, और अगर आप ऑलवेज का इस्तेमाल करेंगे तो इसका यूज आप हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के पहले करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ऑल द टाइम का इस्तेमाल हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।